Good afternoon, my lovely students. Welcome to the GK class. So student, today we will discuss the chapter number 23, 24, 25 and 26. So let's start the chapter number 23. The name of this chapter is Surviving Skills, means जीवित रहने के कौशल. तो जीवित रहने की कला कौशल को हम क्या बोलते हैं? Surviving skills. So let's start. Yes, student, do you know how these animals use their skills to survive in the world? क्या आप जानते हैं कि जो जानवर है दुनिया में जीवित रहने के लिए अपने कौशल का उपयोग कैसे करते हैं? So let's start. Number one, you can see the image. Yes, this is a albaxes. Yes, albaxes live high up in Ethiopian, African, yes, and Asian mountains. They feed on grass and other natural resources found in the area, and pads on the back of their feet helps them to climb steep rocks. Okay, जो हमारे हम बात करते हैं कि किसकी हम बात करते हैं, एल्बेक्सिस, जो क्या है, यूरोपीय, अफ्रीका और एशियाई पहाड़ों में उस स्तर पर रहते हैं. ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसमें, दे फीड ऑन द ग्रास. ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, पाए जाने वाली जो ग्रास है, ओके, और जो वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक जो संसाधन है उनके ऊपर वो अपने जो भोजन है उनके ऊपर निर्भर रहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज पैड्स ऑन द बैक ऑफ देयर फीट हेल्प देम क्लाइंब स्टीप रॉक्स. जो उनके जो पैर हैं, पैरों के पिछले हिस्से के पैड उनको खड़ी चट्टानों पर चढ़ने में मदद करते हैं. ओके, सो दिस इज द एल्बेक्सिस. Next one is here as a Rocky Mountain Goat. Okay, so Rocky Mountain Goat of North America is closely related to camels. Its small hooves help it to climb steep rocks to escape hunters. Okay. हम बात कर रहे हैं किसकी, रॉकी माउंटेन गोट. ओके, हम बात कर रहे हैं कि उत्तर अमेरिका की रॉकी माउंटेन जो गोट, जिसको हम बकरी बोलते हैं ना, उसका चामोइस से गहरा संबंध है. यस, इट्स रिलेटेड टू अ चामोइस. यस, इट इज स्मॉल हूफ्स हेल्प इट, जो उसके जो स्मॉल्स मतलब छोटे खुर, हूफ्स इसको बोलते हैं, खुर को, उसके जो छोटे खुर है इसे शिकारियों से बचने के लिए बड़ी चट्टानों पर चढ़ने में मदद करते हैं. ओके, यू कैन ऑल्सो सी द इमेज ऑफ रॉकी माउंटेन गोट. So next one is here, yes, the puma. Yes, puma hunts mammals such as sheep in the American mountains. It hides extra food to eat later. Most of the pumas hunt at night. It also known as cougar or mountain lion. Okay, हम बात कर रहे हैं किसकी, puma की. जो puma है वो अमेरिकी पहाड़ों में भेड़ जैसे स्तनधारियों का शिकार करती है. ओके, नाउ ये बाद में खाने के अतिरिक्त भोजन छुपाता है. यस, इट हाइड्स एक्स्ट्रा फूड टू ईट लेटर, मतलब जब ये बाद में जो भोजन करने के लिए ये जो भोजन को क्या कर देता है, छुपा देता है. नाउ मोस्ट ऑफ द प्यूमास, मतलब जो अधिकांश प्यूमा है रात में शिकार करते हैं. यस, हंट एट नाइट मीन्स रात में शिकार करते हैं. यस, इसलिए इनको क्या किया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इनको क्या कहा जाता है, कॉगर, कॉगर कहा जाता है. और इनको किस नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है इनका, माउंटेन लायन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हियर. यस, नेक्स्ट वन इज हियर. यस, चामोल. They are good climbers. Okay, ये good climbers हैं. They live in herds, herds में रहते हैं. Now, one member of herds looks out for danger and whistle to warn the others. In winter, they come down and mountain in search of pine shoots and other things to feed on. They are found mostly in the mountainous area of Europe and Asia. हम बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं चामोल. चामोल क्या होते हैं, एक अच्छे पर्वतरोही होते हैं. Means get a good climbers, मतलब ये पर्वत पर चढ़ते हैं. Yes, वे झुंड में रहते. Yes, they live in herds. वे झुंड में रहते हैं. Now, झुंड का एक सदस्य खतरे में देखते हैं कि झुंड का कोई भी एक सदस्य मान लीजिए खतरे में है, डेंजर में है ना, तो क्या करते हैं कि दूसरे को चेतावनी देने के लिए सीटी बजाते हैं. Yes, whistles to warn the other. जो विसल करता है और क्या करता है, दूसरों को फोन कर देता है कि कुछ यहाँ पर खतरा है. नाउ इन द, यस यू नो, इन विंटर, सर्दियों की बात कर रहे हैं कि जो विंटर में दे कम डाउन द माउंटेन, वो माउंटेन से नीचे आ जाते हैं इन सर्च ऑफ पाइन शूट. पाइन क्या है, आपको पता है कि जैसे कोई भी टहनी होती है उनके लिए आते हैं. एंड अदर थिंग्स टू फीड, और कोई भी दूसरी चीज होती है उनको फीड करने के लिए वो विंटर में नीचे आते हैं. नाउ दे आर फाउंड मोस्टली इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ यूरोप एंड एशिया. तो ये क्या करते हैं, ज्यादातर यूरोप और एशिया के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. यस, विकुना are found in the Andes Mountains. They live in groups. They spit strong smelling liquid and chewed food at attackers. Okay, जो भी attack करते हैं. Now their hooves are sharp with a thick sole and a curved part with grips, rocks,
firmly. Yes, हम बात कर रहे हैं किसकी? विकना की. अब हम बात कर रहे हैं विकना की. जो विकना है क्या, ये found in Andes mountains. ये कहाँ पर पाए जाते हैं? Andes पर्वतों में पाए जाते हैं. Now they live in groups. वो आपस में समूह में रहते हैं, groups में रहते हैं ये. Now they spit strong smelling. मतलब ये क्या करते हैं, ये हमलावरों पर तेज गंध वाला और तरल डालते हैं. Chewed, okay, smelling liquid and chewed food at attackers. जो भी अटैक करने वाले होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, ये तेज गंध वाली स्मेलिंग और चीज फूड डालते हैं. तो सो देयर हुक्स आर शार्प. इनके जो खुर होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल नुकीले, शार्प मींस नुकीले होते हैं. विद अ थिक सोल, और नीचे जो उनका सोल होता है, उनका जो तलवा होता है, वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं. एंड अ कर्व पार्ट विच ग्रिप्स वॉक फर्मली. और जो हम उसके पैरों की बात कर रहे हैं ना, उनके जो खुर नकीले होते हैं, उनके जो तलवे मोटे होते हैं, और क्या होते हैं, घुमावदार बाघ होते हैं. मतलब नीचे से क्या होते हैं, उनके जो शेप होते हैं, उनका कर्व पार्ट होता है. विच ग्रिप्स रॉक्स, वो जो रॉक्स होती है, जो चट्टानों को वो मजबूती से पकड़ सकते हैं. ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ एनिमल फाउंड इन माउंटेन्स एरिया. आप देखते हैं कि कहाँ पर पाए जाते हैं ये एंडीज, जो एंडीज माउंटेन्स होते हैं, एंडीज के पर्वतों में पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज पिका. यस, पिका इज राउंड ईयर tailless animal. It is sometimes called mouse hare because of its look. Here it is found in Asia, Europe and in some parts of North America. It stores dried leaves in hollows for the winter. Okay, हम बात कर रहे हैं पीका की. पीका एक गोल कान वाला tailless जानवर है. ओके, ये इसके दिखने के कारण इसे कभी कभी माउस हरे, इसको क्या कहा जाता है, माउस हेयर भी कहा जाता है. नाउ इट फाउंड इन एशिया, ये कहाँ पर पाया जा रहा है, एशिया में, यूरोप में एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और नॉर्थ अमेरिका में मतलब उत्तरी अमेरिका में कुछ हिस्सों में पाया जाता है. नाउ इट स्टोर्स ड्राइड, मतलब सर्दियों के लिए सूखे पत्तों खोखले में रखता है. मतलब क्या करता है, ये जो सर्दियां होती है तो क्या करता है अपने, यस, लिव्स इन हाउस फॉर विंटर. ओके, सो इसे स्टोर करके रखता है ये अपने ड्राई लीव्स पे. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट पिका. पिका क्या है, एक गोल कान वाला टेललेस जानवर. ओके, सो नेक्स्ट वन इज हियर, यस, हिमालयन स्नो लियोपार्ड. यस, हिमालयन स्नो लियोपार्ड ट्रेवल्स अलोंग डिस्टेंस ड्यूरिंग डे टाइम. क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्टेंस कर रहे हैं ड्यूरिंग डे टाइम. यस, डिस्टेंस ड्यूरिंग डे टाइम टू हंट स्लीप स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड्स. हम बात कर रहे हैं किसकी, हिमालयन स्नो लियोपार्ड की. ये क्या यूज करते हैं, तेंदुआ. हिमालयन ये क्या होता है, लियोपार्ड क्या होता है, तेंदुआ. जो दिन के समय भीड़ों और छोटे जो भी स्मॉल मैमल्स होते हैं, जो होते हैं और जो बर्ड्स होती है, उनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं. इट टेक्स शेल्टर इन अ डैन ड्यूरिंग नाइट. और ये क्या लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, मतलब रात के समय एक क्या कर लेते हैं, डैन के अंदर एक शेल्टर ले लेते हैं. नाउ इट हैज अ लॉन्ग एंड थिक टेल, और उनकी एक लंबी और मोटी पूछ होती है. ओके, सो दिस इज अ हिमालयन स्नो लियोपार्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज वाई वाई. ओके, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्वायरल्स हैव ब्रशी टेल्स. नाउ आई थिंक यू एवरीवन हैज नो अबाउट द स्क्वायरल्स. सभी ने देखी भी होगी स्क्वायरल, है ना. तो देखते हैं, बात करते हैं, स्क्वायरल्स हैव ब्रशी टेल्स. व्हाई? सो ब्रशी टेल्स हेल्प द स्क्वायरल टू मूव क्विकली फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच विदाउट फेलिंग. जो स्क्वायरल होती है उसकी क्या होती है, एक जो जो पूंछ होती है, ब्रशी जो टेल होती है, वो हेल्प करती है उसको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में बिना गिरे हुए एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में तेजी से जाने में मदद करती है. दे ऑल्सो यूज देयर टेल्स लाइक पैराशूट इन केस. और ये अपनी जो टेल्स होती है उसमें पैराशूट की तरह ही अपनी पूंछ का भी क्या करती है, इस्तेमाल करती है. इन केस दे फेल आउट ऑफ अ ट्री, जैसे जो अगर ट्री से नीचे गिर रही है तो ऐसे पैराशूट की तरह उसका इस्तेमाल करती है. दे ऑल्सो यूज देयर tails for threatening other squirrel. और वो अपने जो tails है उसका use करती है, किसके लिए use करती है, threatening other squirrel, मतलब दूसरे squirrel को डराने धमकाने के लिए भी वो अपनी tails का use करती है. Okay, so next one is here is funny fact. फनी फैक्ट देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द डॉग्स फाउंड इन द अर्थ हैव पिंक टंग. हम देखते हैं कि जितने भी डॉग्स हैं हमारे अर्थ पर, उन सभी की जो टंग होती है, जो जीभ होती है, वो किस कलर की होती है, पिंक कलर की, गुलाबी कलर की. बट द चाओ डॉग हैज अ ब्लैक टंग. लेकिन एक ऐसा जो चाओ डॉग है उसकी जीभ का कलर क्या होता है, ब्लैक. ओके, यस.
So the next chapter is, yes, the name of this chapter is Big Cats, means badi billiya. Yes, there are many members in the cat family. Aapko pata hai ki jo billi ka jo parivar hai usme kai sadasya hote hain. Member of this family could be a big or small. Jo members hote hain is family ke ya to bade bhi hote hain ya chote bhi hote hain, but they look similar in shape and behavior. Lekin unka jo look hota hai kai bar similar hota hai, same sa hota hai shape mein, aur unka jo behavior hota hai, jo unka jo vyavhar hota hai, wo bhi ekdam saman dikhne wala hota hai. So all of them eat flesh, और उनमें जो सभी, उनमें ये जो सभी होते हैं वो क्या खाते हैं, flesh खाते हैं, means ये सभी मांस खाते हैं. Now student, lion and tiger are two members of this cat family. जो lion है और जो tiger है वो इस cat family के दो सदस्य हैं. Do you know the names of the following members? क्या आपको उनके जो members हैं, उनकी जो cat family के जो members हैं, उनके name पता है? So let's start. Number one. It is the third largest member of cat family after the tiger and the lion. हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो टाइगर और जो कैट फैमिली है उसमें जो सबसे थर्ड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, जो मेंबर है कैट फैमिली आफ्टर द टाइगर, और टाइगर और लाइन के बाद जो सबसे जो थर्ड नंबर पे है, लार्जेस्ट है, वो क्या है? Yes, this spotted cat resembles the leopard. और इसके अंदर जो spot, इसके ऊपर आप देख सकते हैं, you can see the image. इस जो spot है उसके ऊपर as a cat की तरह resemble करते हैं, और leopard की तरह, मतलब उसके अंदर जो चीता, हम बोलते हैं चट्टेदार जो है, वो जो बिल्ली और तेंदुए की तरह ही दिखते हैं. द नेम ऑफ दिस, आपको नेम पता है इसका? यस, इसका नेम है जैकोर. Okay, second one, it has a short legs and a long body with a large skull. It is smaller with more lightly built than jaguar. हमने पहले यही पढ़ा था, पहला क्या था? जगुर. Okay, now spots on its body are smaller in size than jaguar. हम बात करें इसकी कि body में क्या होता है, smaller than. कि yes, the name of this, yes, this is a leopard. ये क्या है? Leopard. Leopard क्या करते हैं? इसके छोटे पैर और एक बड़ी long body with a full skull. Means, skull means क्या होता है? खोपड़ी. ये इसके छोटे पैर और एक बड़ी खोपड़ी के साथ एक लंबा शरीर होता है. ये जगुआर की तुलना में छोटा और अधिक हल्का बनाया गया है. नाउ यस, इसको आपको पता है कि इसके शरीर पर धब्बेदार जगुआर के आकार के छोटे छोटे होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन, It is a cat. It is found in Himalayan region. यहाँ पे cat है जो हिमालय region में पाई जाती है. There are black spot on his head. Okay, and its ear are black. और इसके जो ear होते हैं वो black होते हैं. The name of this cat is clouded leopard. इसका नाम क्या होता है? Clouded leopard. Number four. It can run at a speed of 1094 to 120.7 km/h, which makes it the fastest land animal. अब आपको पता चलेगा वह कौन सा है ये. But when it start running, it can cover a distance of 500 meters only. जब ये भागना start करता है तो ये कितना cover कर लेता है एक बारी में? 500 meter cover कर लेता है. Yes, आपको पता है इसका नाम? Yes, the name of this animal is cheetah. ये क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? चीता की. यस, विच मेक्स इट द फास्टेस्ट लैंड एनिमल. जो ये सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल है. अंडरलाइन दिस. ओके, नंबर फिफ्थ इज हियर, इट इज अ मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट. मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, कैट की बात कर रहे हैं. इट हैज अ शॉर्ट टेल एंड बंच ऑफ ब्लैक हेयर ऑन इट्स टिप्स ऑफ देयर ईयर. यस, यू नो That that this is a lioness. ये क्या है? यह एक बिल्ली है. ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है. इसके सिर पर क्या होते हैं? काले धब्बे होते हैं. Yes, it has a short tail. इसकी जो tail होती है वो छोटी होती है. And bunch of black hair on its tips of its ear. आप देख सकते हैं bunch of black hair. You can see the image of the cat. देख सकते हैं आप इसमें bunch. Yes, hair, black hair on the tips of the their ears. इनके जो ears के ऊपर आप देख रहे हैं ना, एक ऐसे bunch है of black hair का. So yes, this is a lynx. ये कौन सी होती है? Lynx होती है. Okay, so now let's start the next chapter. Traffic signals. Yes, you know about the traffic signals, student? Yes. So when we use traffic signals की जो हमारे जो traffic होते हैं उनके क्या होते हैं? संकेत होते हैं. तो ये signals हम क्यों use करते हैं? ये signals इसलिए होते हैं कि सामने वाले को, जो driver है उसको पता चल जाए कि आगे अब कौन सा signal है और किस तरीके से उसको driving करनी है. तो ये signal हमको show करते हैं, और generally ये signals हमारे protection के लिए होते हैं कि आगे अगर आपको पता चल रहा है कि speed है या कुछ भी है, railway crossing है,
तो हम ये शो कर देते हैं रेलवे सिग्नल, ये सिग्नल शो कर देते हैं कि कुछ सिग्नल से शो कर देते हैं कि आगे क्या आने वाला, रेलवे क्रॉसिंग है या आपकी जो रोड है वो हो रही है, ट्रैफिक सर्कल का हेड है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं ट्रैफिक सिग्नल जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं। अब अगर हम केयरलेस हो जाएंगे, अगर हम इस सिग्नल को इग्नोर कर देंगे तो इसके लिए तो जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार तो इंसान ही होता है कि अगर आपने सिग्नल्स को देखा नहीं, अगर आप डायरेक्टली मूव करते जा रहे हैं, आप उसमें नोटिस नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, कई बार एक्सीडेंट की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसलिए यू शुड फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, आप सभी को ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, द इमेजेस आर गिवन ऑफ द सिग्नल्स, सो यू हैव टू राइट द नोट ऑफ द सिग्नल्स। यस, नाउ सो फर्स्ट इज हियर, यस दिस इज द स्पीड लिमिट। ओके, सेकंड वन इज हियर, गिव वे अहेड, मींस ये बता रहे हैं कि आगे जाके क्या है, गिव वे। थर्ड वन इज हियर, रेलवे क्रॉसिंग अहेड, आगे क्या है, रेलवे क्रॉसिंग है, दिस इज द सिंबल। सो स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर द सिग्नल्स, आपको सिग्नल्स हमेशा याद होने चाहिए। व्हेन यू कम एज, आप कहीं भी आप ड्राइविंग करने जा रहे हैं तो आपको इस सिग्नल्स को आपको पता होना चाहिए जो सिग्नल हमको क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ईयर लोड लिमिट, इसकी जो लोड लिमिट कितनी है। नंबर फिफ्थ इमेज इज ईयर ट्रैफिक सर्कल अहेड, आगे क्या है, ट्रैफिक सर्कल है। नेक्स्ट वन इमेज इज ईयर शार्प कर्व राइट, आगे क्या हो रहा है, शार्प कट हो रहा है, बिल्कुल शार्प कट हो रहा है। तो आपको जो अपना जो ड्राइविंग जो स्पीड है वो क्या कर लेनी चाहिए, लो कर लेनी चाहिए, स्लो कर लेनी चाहिए अपनी स्पीड। ओके, नंबर सेवन इज ईयर यू टर्न प्रोहिबिटेड, अब आपको क्या ना यहाँ पर जैसे यू टर्न प्रोहिबिट बता रखा है। नंबर एट इमेज में आपको बता रखा है क्रॉस रोड अहेड, आगे क्या हो रही है, आगे जाके क्या है, क्रॉस रोड है। ओके, सो दीज आर द सिग्नल, सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द सिग्नल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 26, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मूव ओवर। ओके, नाउ सम व्हीकल्स आर मेड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, यस यू नो दैट कुछ व्हीकल्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टास्क, मतलब पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करते हैं। वन कैन इजिली सी देम सर्वेइंग द सोसाइटी इन मेनी वेज, मुझे तो लगता है कि आप सभी ने ये देखा होंगे, एज ए ट्रैक्टर को आपने देख रखा है, एज अ आपको पता है एम्बुलेंस क्या वर्क करती है, तो ये जो व्हीकल्स होते हैं पर्टिकुलर वो क्या वर्क करते हैं और अपनी सोसाइटी में वो क्या करते हैं, एज ए अपनी एक सेवा प्रदान करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नंबर वन, सो स्टूडेंट इमेजेस आर गिवन हियर एंड आल्सो क्लूज आर गिवन, सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द व्हीकल, सो कैन यू आइडेंटिफाई दिस व्हीकल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, नंबर वन, इट इज यूज्ड टू कैरी पेशेंट्स एंड इंजर्ड पीपल टू हॉस्पिटल, ये किसके लिए यूज करते हैं, ये कैरी ले जाते हैं, लेके जाते हैं पेशेंट्स को, इंजर्ड पीपल को हॉस्पिटल में, द नेम ऑफ दिस व्हीकल इज एम्बुलेंस। ओके, सेकंड वन, इट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, इट इज कैप्ड इन अ फायर स्टेशन, इसको फायर स्टेशन में रखा जाता है और ये फायर बुझाने काम आती है, यस द नेम ऑफ दिस व्हीकल इज फायर इंजन। नंबर थर्ड, फार्मर्स यूज देयर वंडर मशीन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस, जो फार्मर क्या करते हैं इस वंडर मशीन का यूज करते हैं टू इंक्रीज मतलब बढ़ाने के लिए, टू देयर प्रोड्यूस, जो भी वो काम करते हैं, जो भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो भी करते हैं उसके लिए वो यूज करते हैं, कौन सी व्हीकल का यूज कर रहे हैं वो, यस द नेम ऑफ दिस व्हीकल इज ट्रैक्टर। यस, नेक्स्ट वन, नंबर फोर, वी प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एवरीडे, यस यू नो दैट दिस व्हीकल इज यूज्ड टू कैरी वेस्ट एंड अदर गार्बेज, व्हीकल के लिए किसके लिए यूज आता है कि जो भी जो वेस्टेज होता है और जो गार्बेज होता है उसको ले जाने के काम में आता है, यस दिस इज अ गार्बेज ट्रक। नेक्स्ट वन, इमेज इज हियर, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड लोअर द हैवी मटेरियल्स एट कंस्ट्रक्शन साइट, जो भी कंस्ट्रक्शन जो साइट होती है वहां पर इस व्हीकल को यूज किया जाता है, किसके लिए, टू लिफ्ट, उठाने के लिए, लोअर द हैवी मटेरियल, हैवी जो मटेरियल जो बहुत हैवी होता है जो मटेरियल उसको उठाने के लिफ्ट करने के काम में आता है कंस्ट्रक्टर साइट में, यस द नेम ऑफ दिस, यस क्रेन। नंबर सिक्स इज हियर, दिस व्हीकल इज यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट, ये व्हीकल कंस्ट्रक्शन साइट में यूज करते हैं टू पुश अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सॉइल एंड रबर। अब देखिए हम इस व्हीकल की बात कर रहे हैं कि ये काम में आता है कंस्ट्रक्शन साइट में, किसके लिए पुश करते हैं, क्या पुश करते हैं, क्या कि यूज मतलब ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सॉइल मतलब बहुत बड़ी तादाद में मिट्टी है, उसको क्या करना होता है, बिल्कुल सेट करने के लिए, उसको पुश करने के लिए हम व्हीकल का यूज करते हैं, यस द व्हीकल का नेम क्या है, यस बुलडोजर। आपने सभी ने देखा होगा कि जो बुलडोजर है उससे जो हमारी जो जो सॉइल होती है और जो रबर
ग्लोबल होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लीज हमारी जो जो अर्थ होती है, जो लैंड होती है, उसको क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं उसको. So yes, this is all about the chapters of yes as a big cats, traffic signals, wing speed, and move to work. Okay.